बहुत ही कम मार्जिन होता है, आपको पता ही होगा। कई लोग उसमें भी कहते हैं कि 5 रुपए कम कर दो, 2 रुपए कम कर दो, 3 रुपए कम कर दो, बहुत ज्यादा कहते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह शॉप में आ गई हूँ मैं। अभी मुझे 15 मिनट हुए हैं, एक्चुअली अभी 10 बजने वाले हैं पूरे, अभी 10 बजे भी नहीं है, और शॉप में मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम टाइम पे होते हैं अपने काम पर, बिल्कुल टाइम पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ना जैसे कई काम छूट जाते हैं ना, तो सारा दिन ऐसा लगता है, कई बार मैं घर पे भी कुछ जो घर के काम है ना वो भी छोड़ के आ जाती हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये काम मेरा रह रहा है घर पे और मैं शॉप में बैठी हूँ, तो कई बार ऐसा होता है। तो अभी जैसे सब कुछ हम मैनेज करके चलते हैं ना, जैसे हम टाइम टेबल अपना फिक्स रखते हैं कि इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है, तो सब कुछ मैनेज रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अपने अंदर भी मोटिवेशन रहती है एक अलग सी, और एनर्जेटिक आप फील करते हो। तो आज मैं नाश्ता वगैरह मैंने 7:30 बजे ही कर लिया था, और आज मैं अपना खाने पीने का इंतज़ाम करके आई हूँ। सो कल जल्दी जल्दी आई थी ना, कल बहुत भूख लग रही थी। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैं बार बार ये कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ। शॉप में बैठी हूँ, बाकी साथ में कई सारी शॉप्स भी हैं जिससे मैं कुछ लेके खा सकती हूँ, बट मैंने सोचा कि अनहेल्दी खाने से अच्छा कुछ हेल्दी होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, घर से मैं कुछ ले आती तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा था कि कल फ्रूट्स काफ़ी सारे पड़े थे घर पे और मैं लेके ही नहीं आई, तो यही मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मैं लेके आ जाती थोड़ा सा, मैं और टाइम लेट आ जाती। फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मैं शॉप पे जल्दी आ गई। बट आज मैं बिल्कुल अपना इंतज़ाम करके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ अपना ये डब्बा टिफ़िन। अब टिफ़िन में क्या है मैं दिखाती हूँ। तो मैं ये लेके आई हूँ फ्रूट्स का बॉक्स, अभी मैं नहीं खाऊंगी। इसमें है पपाया और ऑरेंज, तो ये अभी मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा 1.5 घंटे बाद खाऊंगी, अभी नहीं खाती हूँ। A few moments later. So guys, अभी कस्टमर आ गए थे, और अभी सेल हुई है फेयर एंड लवली क्रीम, जिसमें कि बहुत ही कम मार्जिन होता है, आपको पता ही होगा। कई लोग उसमें भी कहते हैं कि 5 रुपए कम कर दो, 2 रुपए कम कर दो, 3 रुपए कम कर दो, बहुत ज्यादा कहते हैं। जैसे कि अभी इसका MRP प्राइस क्या है, इसका MRP है 62 रुपीज। तो इसमें कई बार तो जैसे ज़्यादा सामान लेते हैं तो 2 रुपए कम कर देते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये 2 रुपए भी ले रहे हैं ये लोग, 2 रुपए तो कम कर देने चाहिए। तो आप लोग बताओ कि इसमें कितना कम मार्जिन है। बहुत कम मार्जिन है फेयर एंड लवली में, और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है ये, तो रखना भी पड़ता है, और सबसे ज़्यादा सेल होता है, तो इस वजह से इसका शायद मुझे लगता है इसमें मार्जिन बहुत कम है। कंपनी वाले बहुत ज़्यादा मतलब ये सोच रहे हैं कि ये तो बिकना ही बिकना है, चाहे मार्जिन कम दे हम चाहे ज़्यादा दे, बट बिकेगा तो ये ज़रूर, क्योंकि इसकी वो है ना वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू होती है ना वो लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे पॉन्ड्स में भी बहुत कम मार्जिन है, उसके बाद जो पैड्स हैं, जो सैनिटरी पैड्स हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन है। तो जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनमें तो काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, और जो ओरिजिनल होते हैं ना उसमें बहुत कम मार्जिन मिलता है, तो हमें रखना पड़ता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि इसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, अभी फेयर एंड लवली क्रीम की सेल करके मैंने बोनी की है। तो चाहे प्रॉफिट कम हो, बट हमें पहली बोनी की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। चाहे 2 रुपए ही क्यों बोनी ना हो, चाहे 5 रुपए बोनी हो, बट हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बोनी, फर्स्ट बोनी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है एक दुकानदार के लिए। A few moments later. So guys, जो भी टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 12 बज गए हैं, और अभी मैं काफ़ी देर से बिजी थी क्योंकि कुछ कस्टमर्स आ गए थे जो अंडरगारमेंट्स लेने के लिए आए थे, तो वो दिखाने में काफ़ी बिजी हो गई थी, और अब जाके फ्री हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना डब्बा जो है वो खा लेती हूँ, मतलब डब्बा नहीं, जो टिफ़िन में जो फ्रूट्स लेके आई हूँ वो खा लेती हूँ। सो गाइज, ये नमक की डब्बी मैं रखती हूँ, काला नमक है इसमें, और ये मैं ज़रूर रखती हूँ शॉप में, तो ये हम डाल लेते हैं इन फ्रूट्स के ऊपर। सो डब्बा हो गया खाली, और अभी जो कस्टमर आए थे ना जब अंडरगारमेंट्स में दिखा रही थी, तो बहुत सारा मतलब दिखाया मैंने उनको, मतलब एक दो पसंद आए तो वो लेके गए, बट मेरी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा मुझे डाउन फील हो रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का खाना खाया हुआ
अभी तक 12 बज के कुछ भी नहीं खाया था, तो अभी मैंने फ्रूट्स खाया ना, तो नाउ आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक। और अब मैं इसको वॉश कर देती हूँ। सो गाइज, अभी अर्नब को लाने का टाइम हो गया, तो अभी चलती हूँ मैं अर्नब को लेने के लिए। धूप इतनी ज्यादा हो गई है, गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, तो पैदल चलने में भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अर्नब, चीज लेनी जरूरी है? क्या लेना अर्नब, डिसाइड कर लो। आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम नहीं है, प्लीज नहीं, आइसक्रीम से गला खराब हो जाएगा, पिघल जाएगी घर तक जाके, घर तक जाने में पिघल जाएगी, वहां से ले लेंगे। चल फिर कुछ और लेना। सो गाइज, अब हम दोनों घर पे आ गए हैं, अब लंच करेंगे। और आज का ब्लॉग अगर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।